के साथ साथ तीन ड्यूटी और भी करता था पार्ट टाइम में, फुल टाइम 8 घंटे की जॉब, उसके बाद 1 घंटा 1 कंपनी में जाता था, फिर दूसरा घंटा दूसरी कंपनी में, तीसरा घंटा, और कोई दिन ऐसा नहीं था जब तक मैं 12 और रात को 1 बजे से पहले कभी घर घुसता हूं, नौकरी करते करते भी, क्योंकि महंगाई भरे जमाने में और गुड़गांव जैसे शहर में खर्चा चल ही नहीं रहा था किसी भी कीमत पे। ऐसे में जब ये बिजनेस प्लान मेरे को दिखाया गया, पहली बार मैंने तुरंत ज्वाइन कर लिया, मैं यार ये चीज मिली है जो जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगी, ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया और मैंने बिजनेस को ज्वाइन कर लिया दोस्तों। और सबसे बड़ी मैं खुश नसीब हूं, मैं किस्मत वाला हूं कि मेरे को बहुत जबरदस्त अपलाइन मेरे गुरु द्रोणाचार्य श्री श्याम सिंह चौहान जी मिले। मैं चाहूंगा एक जोरदार तालियां होनी चाहिए उनके लिए, एक जोरदार तालियां। दोस्तों हर कदम पर सपोर्ट किया। बहुत बार जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मैं इतना सीरियस नहीं था, मेरे को ट्रेनिंग के लिए सर बोलते थे कि ट्रेनिंग में जाना है आपको। मैंने पहले दिन से, एक मेरे में अच्छी बात है कि पहले दिन से आज तक भी मैं खुद फील्ड में प्लान करता हूं। पहले दिन से मैंने प्लान करना चालू किया और 8-10 लोगों की ज्वाइनिंग करवा ली थी और कहीं ना कहीं एक ईगो आ गई थी। सर ने मेरे को बोला कि आपको कोर बैच में जाना है, तो मैंने सर को डायरेक्टली मना नहीं किया, लेकिन मैंने अंदर ही अंदर सोचा कि यार कोर बैच की जरूरत क्या है, मेरे को प्लान दिखाना आता है, मेरे को सेल निकालनी आती है, तो कोर बैच में तो यही सिखाएंगे ना। तब इस बात की समझ नहीं थी कि वहां पर जिंदगी में परिवर्तन करने का बहुत बड़ा एक माध्यम है कोर बैच। और 3-4 बार मैंने मना कर दिया, कभी वाइफ की तबीयत खराब है, कभी सर जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही, और ऐसे लॉजिक लगा लगा के 3-4 बार मैंने मना कर दिया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्याम सिंह चौहान जी को। एक बार जब कोर बैच होने वाला था, सर मेरे घर पे पहुंच गए और जबरदस्ती अलमारी में से मेरे कपड़े पैक करे, बोला राजीव शर्मा आज की बार कोई लॉजिक नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको किसी भी कीमत पे कोर बैच में जाना पड़ेगा। बहरोड में कोर बैच हुआ करता था उस टाइम पे। सर का मैं सम्मान करता हूं, दिल से सम्मान करता हूं, और मैं इनकी बातों को काटना नहीं चाहता था, और मैं दोस्तों कोर बैच में चला गया। वहां मैंने जाके सीखा यार ये बिजनेस तो कुछ और ही चीज है, मैं कुछ और ही जोड़ने तोड़ने का काम समझ रहा था। और वहीं से मैंने सर को कॉल किया, सर थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे को यहां भेजा, अगर यहां नहीं भेजते तो मैं बहुत पीछे छूट जाता। और वो दिन है और आज का दिन है, आज तक कभी भी मैंने कोई सिस्टम की कोई ट्रेनिंग कहीं भी हो, चाहे वो गुड़गांव में हो, चाहे वो बाहर हो, आउट ऑफ स्टेट हो, कहीं भी हो, आगरा में हो, मुंबई में हो, गोवा में हो, हर जगह मैंने अटेंड किया है, कभी भी कोई सिस्टम की ट्रेनिंग मिस नहीं करी मैंने। लेकिन दोस्तों विरोध भी हुआ जब बिजनेस को स्टार्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने जो रिश्तेदार थे उन्होंने मजाक उड़ाया, बोला तूने नौकरी नाकरी छोड़ के और लूटने का काम चालू कर दिया क्या, ऐसे तक बोला करते थे। मेरे मामा के लड़के को मैंने ज्वाइन करवाया और उन्होंने, मेरे मामा जी ने मेरी माँ को बहुत सारी बातें सुनाई फोन पे कि वो तुम्हारा लड़का आया था और हमारे लड़के को भेला फुसला कर पैसे लूट के चला गया। इस तरह के विरोध हुए। शुरुआत में तो मिसिज ने भी थोड़ा सा वो बोला कि आप जॉब कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, वहीं करते रहो, फालतू के चक्करों में क्यों पड़ रहे हो, हमारी वहां से एक अच्छी सैलरी आ रही है, हमारा घर चल रहा है, ऐसे ऐसे करके इन्होंने भी थोड़ा सा मेरे को विरोध किया। लेकिन मैंने श्याम सिंह सर को बताया कि सर ये दिक्कत आ रही है, परिवार में भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बाहर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं क्या बताऊं, क्या करूं आप बताओ। तो सर ने बोला कि आप एक काम करो, अपनी मिसिज को कोई भी सिस्टम का प्रोग्राम दिखाओ। और पहला प्रोग्राम हुआ था जब सर डायमंड बने थे, रोहतक के अंदर प्रोग्राम हुआ था और जयपाल सर डायमंड बने थे, उसी दौरान मैं अपनी मिसिज को वहां पे प्रोग्राम में लेके गया था। मेरी गोल की रिकॉग्निशन थी, गोल बना था मैं, और मैं अपनी मिसिज को वहां पे लेके गया था। और उस दिन का दिन है, उस प्रोग्राम को देखने के बाद आज तक इसने मेरे को कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया, हर कदम मेरे साथ में खड़ी रहती है, मेरे को पूरा सपोर्ट करती है। दोस्तों थैंक यू। और भी एनो ट्रेनिंग, ड्रीम एनो ट्रेनिंग में जैसे हम जाने लगे तो ड्रीम के बारे में बताया गया, उससे पहले अपने ड्रीम क्या थे, अगर जेब में पैसा हुआ है मार्केट में गए कोई चीज पसंद आई तो खरीद ली, ना तो कोई ड्रीम ही नहीं था। और कोई गलती से बोल दे कि भाई साहब आपको कार लेनी है तो सच बता रहा हूं 4 दिन तक बुखार हो जाता था। मैं ड्रीम नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि यार ड्रीम भी होते हैं, ड्रीम भी बनाने चाहिए। बहुत सारे ड्रीम बनाए, पहला ड्रीम बनाया कार का, तो मैंने गाड़ी खरीद ली थी, और उसके बाद भी ड्रीम बनाए घूमने फिरने के, और भी काफी सारे मैंने ड्रीम बनाए।
और ड्रीम लगातार मेरे पूरे होते चले गए। अभी मैं जो ड्रीम बताऊंगा वो आप सब लोगों के सामने बताऊंगा और प्रूफ करके दिखाऊंगा उस बात को। या तो कोई काम करता नहीं, ठानता नहीं, और ठानता हूं तो उस काम को पूरा ही करके छोड़ता हूं। ये मेरे अंदर खुद की एक आग है दोस्तों, किसी भी कीमत पे वो काम चाहे सारी जान चली जाए वो लेकिन काम कंप्लीट करके मानूंगा। थैंक यू। उसके बाद में चलते गए सिस्टम की बातों को माना। कई बार ऐसा भी हुआ दोस्तों कि मैं बहुत सारे लोगों का प्लान बताया, कई बार टेंशन में आ जाते थे यार काम भी चल रहा है, लोग मना कर रहे हैं, लगातार मना कर रहे हैं, कैसे होगा। तो उसी दौरान मेरे को जब भी टेंशन होती है तो मेरे को सच बता रहा हूं नींद आने लगती है और मैं घर जाके चुपचाप सो जाता हूं। लेकिन जैसे ही मैं सोता था तो अचानक से मेरे कानों में एक आवाज आती थी, राजीव जी। वाइफ दौड़ी दौड़ी आती थी, श्याम सिंह सर आ गए हैं। और देखता था सर आप आ गए हो क्या, तुरंत उठता था। और अच्छी आदत, सर ने कभी भी डांटा नहीं, धमकाया नहीं, बिल्कुल प्यार से बातें करी कि क्या दिक्कत आ रही है। और सर ने हर समस्या का सोल्यूशन निकाला। और सबसे बड़ी बात, मेरे श्री कृष्ण भगवान गुरु द्रोणाचार्य श्री श्याम सिंह चौहान जी का साथ मिला और उनसे भी बढ़ गए। मेरे श्री कृष्ण भगवान जिनको मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूं, एज में मेरे से बहुत छोटे हैं लेकिन कोटि कोटि नमन करता हूं, उनके पैरों को मैं पैर छूता हूं उनके। श्री पवन यादव जी के लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली होनी चाहिए दोस्तों, एक जोरदार ताली अब तक की। बहुत बार फोन पे भी समझाते हैं, प्रैक्टिकली मिलते भी हैं, कई घर पे भी आके उन्होंने मेरे को समझाया कि भाई साहब बहुत बड़ा काम करना, राजीव जी आपसे बहुत उम्मीदें हैं, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। और सर ने मेरे को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, सिस्टम में आगे कैसे बढ़ना है वो चीजें सिखाई। दोस्तों लगातार सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम की बातों को माना, विरोध सहन किया, लगातार फील्ड में प्लान दिखाई, रिजल्ट आया तब भी, नहीं आया तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते चलते बहुत सारे लोगों ने, एक बार तो ऐसे हुआ था कि चेक भी बंद हो गए थे, कुछ लोग थे टीम में और उन्होंने मतलब बहुत जल्दी शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली और दूसरी कंपनी बिना बताए नीचे 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 दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली। और एक टाइम ऐसा भी आया कि चलते चलते काम बिल्कुल रुक गया था और काम रुकने के बाद भी चेक बिल्कुल नहीं बन रहे थे, लगातार मैं फिर भी काम करते जा रहा था। और एक दिन हमारे सिस्टम की एक बहुत बड़ी मीटिंग होनी थी और सच बता रहा हूं उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे। वन नाइट स्टे होटल के अंदर, वहां पे चार्ज था कुछ लेकिन मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे। अब वहां आके मैं बिल्कुल अटक गया। मैं बोला यार जाऊं तो जाऊं कैसे, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। वाइफ से पता किया, बेचारी के पास जब भी पैसे हुए उन्होंने मेरी मदद करी, नहीं आप जाओ, लेकिन उसके पास भी बिल्कुल नहीं थे। मैंने फिर क्या किया, मैं यार और कुछ नहीं है कि पवन सर को मैं मना नहीं कर सकता, श्याम सिंह सर को मैं मना नहीं कर सकता। मैंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और फिर मैंने ये सोचा मैं यार अब मैं कुछ ना कुछ और भी करूंगा क्योंकि खाली मेरा काम नहीं चल रहा, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। और मैंने फोन स्विच ऑफ कर लिया और हो सकता है अगर वो फोन उस दिन मैं ऑन नहीं करता तो मैं शायद बिजनेस से क्विट भी हो जाता। जैसे ही 1 बजा अब मैंने सोचा अब तो मीटिंग चालू हो गई होगी और अब फोन ऑन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सर लोग मीटिंग में होंगे। फोन ऑन करती साथ ही पवन सर का फोन आया, बोला टाइगर कहां हो। मैंने बताया सर मैं एक्चुअली घर पे हूं। बोला क्यों मीटिंग में क्यों नहीं आए। मैं सर मेरे पास सच बताऊं 10 रुपए हैं, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मैं रियली दिल से बता रहा हूं सर, मीटिंग अटेंड करने के मेरे पास पैसे नहीं है। सर ने बोला बैग पैक कर वहां से और तुरंत यहां आ जा, बोल पैसे की टेंशन मत ले। और मैं वहां से बैग पैक करके वहां पे पहुंच गया होटल के अंदर। और वो दिन है दोस्तों, उस दिन के बाद कसम खाई सारी सिचुएशन कितनी भी खराब हो कुछ भी हो जाए इस बिजनेस को क्विट नहीं करूंगा, आज के बाद में इस बिजनेस को क्विट करूंगा नहीं और करने के बारे में कभी सोचूंगा भी नहीं। फिर काम करना चालू किया दोस्तों, कुछ लोग मेरे साथ में कंधे से कंधा मिला के चलने लगे जिनमें से मैं नाम अनाउंस करूंगा। जब मेरा काम बिल्कुल रुक गया था तो मेरे को मेरा बब्बर शेर मिला, मिस्टर नरेश यादव, मैं चाहूंगा उसके लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए। बोला सर बिल्कुल सेम मेरे जैसी उसकी भी सोच, बोला सर कुछ भी करना पड़ जाए जिंदगी में बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा परिवर्तन करेंगे। मिस्टर रवि शर्मा, पवन शर्मा, लक्ष्मीकांत जी, मेरे छोटे भाई ऐसे जो बोले सर कुछ भी करवाओ काम करेंगे, दिन रात एक करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे और सारे के सारे डायमंड बनकर आएंगे। दोस्तों जब मैंने देखा कि ऐसे ऐसे लोग मेरी टीम में हैं तो घबराने की कहीं बात ही नहीं है।
और लगातार काम करना चालू कर दिया। अभी हिंदुस्तान के मिसल बनाया सर, हैदराबाद में काम कर रहा हूं और हैदराबाद से आगे तेलंगाना एक जगह पर था वारंगल सिटी, वहां पे भी काम चालू कर दिया है और यहां से जाती साथ कर्नाटक में काम करूंगा। हिंदुस्तान की कोई सिटी ऐसी नहीं होगी, कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहां पर राजीव शर्मा का काम नहीं चलता हो। यह कमिटमेंट है सर मेरा आपसे, यह कमिटमेंट करके जा रहा हूं सेल्स के माध्यम से सर। और दोस्तों इसी साल में जैसे सर ने बोला, सर ने योगेश सर ने मेरी काउंसलिंग करी थी और उन्होंने समझाया था कि राजीव शर्मा बीएमडब्ल्यू में काम करने वाला आदमी कभी बीएमडब्ल्यू ले नहीं सकता। मैंने सर की बातों को माना, मैं बिल्कुल सही कह रहे हो सर, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है चाहे वो मैनेजर लेवल तक का हो जिससे ऑल्टो या उससे बड़ी गाड़ी हो, ज्यादा से ज्यादा कोई 6-7 लाख रुपए की गाड़ी मेंटेन करता होगा, बीएमडब्ल्यू किसी के पास नहीं है और सोच भी नहीं सकता। लेकिन बीएमडब्ल्यू में काम करके बीएमडब्ल्यू नहीं आई, लेकिन सेफ शॉप में बीएमडब्ल्यू आ सकती है। यस और नो? एक बात बोलना चाहूंगा, चलते रहना रुकना मत, जो स्थान राजीव शर्मा यहां पर ले सकता है कोई भी एक्स्ट्रा चीज मेरे अंदर नहीं है, वो हर आदमी ले सकता है और आगे सारे सबके सब लोग काम करके दिखाएंगे। और सर थैंक यू सर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू सर।